हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए बचा हुआ जो इससे पहले का हमने जो वीडियो बनाया था मुगल वंश का, उसका बचा हुआ जो वीडियो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले वीडियो में हमने देखा बाबर का प्रारंभिक जीवन, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, कहाँ पर पैदा हुआ, फरगना एक छोटे से प्रांत में उसका जन्म हुआ था, और प्रारंभिक उसकी अवस्था लगभग 11 वर्ष की अवस्था में वो शासक बना, और कैसे कैसे सारे कष्टों को झेलता हुआ फरगना और अंधीजन जैसे क्षेत्रों को वहाँ पर पहले, और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे जो है वो भारत की तरफ अग्रसर हुआ। काबुल 1504 में उसने काबुल की विजय की, और काबुल की विजय करने के बाद उसने भारत की तरफ ध्यान दिया। लेकिन 1502 में सरेपुल के युद्ध में जब ये पराजित हो जाता है, तो उसके बाद इसकी चूँकि जो प्रसिद्धि थोड़ी बहुत इसको मिली थी, उस प्रसिद्धि को कहीं ना कहीं जो है प्रसिद्धि में को आघात पहुँचा। और उसके बाद बाबर ने 1504 में जब काबुल के क्षेत्रों को जीता, तो काबुल के क्षेत्रों के बाद ही इसको कहीं ना कहीं इसके मन में ये भावना आई कि भारत के क्षेत्रों को जीतना है। तो भारत के क्षेत्रों को जीतने की अभिलाषा लिए हुए इसने भारत भूमि पर कदम रखा, और पहली बार इसका भारत में जो पहला इसका आज कहें कि महत्वपूर्ण जो पहला युद्ध होता है वो पानीपत का युद्ध होता है। जिस पिछले वीडियो में हमने पानीपत के युद्ध के बारे में बताया था कि पानीपत के इस युद्ध में कैसे इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया, और जब इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत के उन क्षेत्रों पर अब इसका सबसे शक्तिशाली जो शत्रु रहता है वो राणा संगा होता है। क्योंकि भारत में जब इब्राहिम लोदी का पतन हो जाता है, तो इब्राहिम लोदी के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली शासक उस समय जो है राणा संगा होता है, जो मेवाड़ पर शासन करता था। तो कहीं ना कहीं राजपूताना के सारे राजपूतों का उसको सहयोग प्राप्त था, वो इन सारे क्षेत्रों पे एकमात्र हिंदू शासक ऐसा था जो इन सारे क्षेत्रों पे शासन कर रहा था। और उसके बारे में बाबर की सेना में ये कहीं ना कहीं उसके सेना में ये बात ये खबर हो गई थी कि जो राजपूत शासक है वो बड़ी शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए लड़ते हैं। तो इस बात के कारण ही बाबर की सेना का मनोबल टूट जाता है, और मनोबल टूटने के बाद ये भागना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे, काबुल कांधार के क्षेत्रों में वापस जाना चाहते थे, फरगना अंधीजन जैसे क्षेत्रों में। लेकिन बाबर ने इनमें जोश भरने के लिए ही इसने गाजी और की उपाधि धारण की, तथा जिहाद का नारा दिया और शराब की सारी प्यालियां तुड़वा दी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनमें जो है फिर से पुनः संचार करने के लिए इस तरीके से इसने नीति अपनाई, और इसने खानवा के युद्ध में राणा संगा को पराजित कर दिया। तो खानवा के युद्ध के बाद इसका अगला जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है। चूँकि चंदेरी में मेदिनी राय का शासन होता है, इन सारे क्षेत्रों पर मेदिनी राय शासन करता था, तो बाबर ने मेदिनी राय के सामने एक प्रस्ताव रखा कि मेदिनी राय बाबर की अधीनता को स्वीकार कर ले। लेकिन मेदिनी राय ने बाबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उससे युद्ध करने का उसने मन में विचार किया, और इसी के कारण ये चंदेरी का युद्ध होता है। और दोनों के बीच में चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, और इस युद्ध में भी बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोनों युद्ध में कहीं ना कहीं बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, और इस युद्ध में बड़ी वीरता पूर्वक लड़ते हुए मेदिनी राय ने अपनी जान गंवा दी। और उसके बाद बहुत सारे राजपूतों का कत्लेआम किया गया, और राजपूतों को मारने के बाद, चूँकि मुगलों में ये परंपरा हुआ करती थी कि वो जिसको मारते थे उसके सरों की मुंडी की एक लंबी बड़ी इमारत बना देते थे, यूँ कहें तो मीनार बना देते थे, और उसके चारों तरफ बड़ी अग्नि की ज्वाला लेकर घूमते थे और हा हू कर किया करते थे, इस तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया करते थे। तो उसके बाद अब इसी के आगे चलते हैं। ये तो हमारी एक भूमिका रही पिछले वीडियो की, जिसके बारे में हमें लगा ये इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब पुरानी भूमिकाओं के बारे में आप जानते रहेंगे तब। अच्छा, इसके बाद जब चंदेरी का युद्ध के बाद बाबर का जो अगला युद्ध होता है वो होता है घाघरा का युद्ध। ये आपसे पूछा जाएगा कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो आप जानते रहिएगा घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1529 में होता है। ये किसके खिलाफ होता है, तो बाबर और अफगानों के खिलाफ होता है, बाबर प्लस अफगानों के खिलाफ, अफगान के खिलाफ।
कहीं ना कहीं चूंकि जो इब्राहिम लोधी होता है उसकी सेना में बहुत सारे ऐसे अफगान होते हैं कि उसके बाद जो है ये बंगाल और के क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो यहाँ पे नुसरत खां बंगाल में शासन करता है। बंगाल का शासक कौन होता है? तो नुसरत खां ये बंगाल का शासक होते हैं। नुसरत खां ये बंगाल के क्षेत्रों में शासन कर रहा था और इसको महमूद लोधी से सहायता मिली। महमूद लोधी से इसको सहायता मिलती है। महमूद लोधी, चूँकि महमूद लोधी बाबर का शत्रु होता है, बाबर को हटाकर महमूद लोधी दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना चाहता था, तो इसीलिए नुसरत खां बंगाल के शासक नुसरत खां ने महमूद लोधी को सपोर्ट किया। और बाबर नहीं चाहता था कि बंगाल का ये शासक नुसरत खां इसको महमूद लोधी को सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी नुसरत खां ने कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से जो है महमूद लोधी का इसने जो है सहयोग किया। और इसके साथ अन्य जो थे वो लोहानी, जलाल खां, शेर खां, फरीद खां जैसे सरदारों ने भी बाबर को आत्मसमर्पण के लिए, ये सारे लोगों ने बाबर को पत्र भी लिखा था, परंतु बिहार में अफगानों का व्यवहार अभी भी उदंडतापूर्वक था। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जैसे फरीद खां बाद में आगे चलकर यही शेरशाह सूरी के नाम से फेमस हो जाता है, फरीद खां, लोहानी, ठीक है, फरीद खां लोहानी, जलाल खां आदि जैसे अफगान जिन्होंने बाबर के सामने जो है आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन इन्होंने इधर आत्मसमर्पण का तो प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके विपरीत ये कहीं न कहीं जो है अभी भी उदंडात्मक व्यवहार किया करते थे। तो इसका मतलब कि दिखावटी इनके अंदर ये ऐसा था कि कुछ कि ये बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अंदर से अभी भी बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। तो इनका व्यवहार जो है उदंडात्मक पूर्वक होता है। और वे नुसरत शाह से बातचीत कर रहे थे, जो बंगाल का शासक होता है नुसरत शाह उससे बातचीत कर रहे थे। इस कारण बाबर आगे बढ़ता गया और बाबर बंगाल की राजनीति से बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसने पत्र व्यवहार के माध्यम से नुसरत शाह से समझौता करने का प्रयास किया, जिससे वह महमूद लोधी और उसके समर्थकों की सहायता न कर सके। तो बाबर कहीं ना कहीं जो है ये बंगाल के क्षेत्रों में जब आगे बढ़ता है, लेकिन ये कभी ये नहीं चाहता था कि नुसरत खां को कोई किसी प्रकार से जो है नुसरत खां को परेशान किया जाए या छेड़ा जाए। इसका मूल उद्देश्य होता है महमूद लोधी को समाप्त करना, ठीक है। और ये यही चाहता था कि नुसरत खां जो है ये महमूद लोधी को सपोर्ट ना करे, ठीक है। और इसीलिए ये आगे बढ़ता गया महमूद लोधी को समाप्त करने के लिए ही ये आगे बढ़ता जाता है और बंगाल की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। और महमूद लोधी और उसके समर्थकों की ये चाहता था कि नुसरत खां सहायता न करें, परंतु जब कोई परिणाम नहीं निकला तो अंत में 6 मई 1529 को घाघरा के तट पे अफगानों से इसका युद्ध हुआ। बाबर को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई, अफगान सरदार उसकी शरण में आ गए, महमूद लोधी बंगाल भाग गया और बिहार का कुछ भाग मोहम्मद खान नोहानी को दिया गया और अधिकांश भाग जलालुद्दीन को दे दिया गया। केवल कुछ भाग बाबर को मिला। शेरशाह सूर को माफ़ कर दिया गया और जलालुद्दीन ने उसे अपना मंत्री स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से बाबर ने जो है घाघरा के युद्ध में अफगानों को करारी हार दी और ये बाबर के जीवन का ये आखिरी युद्ध होते हैं। और इसी के बाद जो है बाबर जो है भारत में कहीं न कहीं जो है इसके जितने भी ये कहें उस समय के शत्रु थे, इन सभी पर जो है इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो इस युद्ध में अगर ये कहा जाए कि घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई, तो आप बता सकते हो कि बाबर की विजय हुई थी। किसकी? बाबर की विजय हुई, ठीक है। और ये घाघरा का जो युद्ध होता है ये ऐसा युद्ध होता है जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। तो कभी कभी ये थोड़ा सा डीप में जाएगा तो बना सकता है प्रश्न, जल और थल दोनों जगह
दोनों जगह लड़ा जाने वाला युद्ध है, जाने वाला युद्ध। ठीक है, तो ये घाघरा का युद्ध ऐसा युद्ध होता है जो जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। तो ये जानते रहिएगा, कभी अगर थोड़ा सा डीप में जाएगा तो ये क्वेश्चन बना सकता है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं आप। बाबर के अंतिम दिन और इसकी मृत्यु के बारे में, तो बाबर के अंतिम दिन की बात की जाए और इसकी मृत्यु के बारे में, तो बाबर के अंतिम दिन, बाबर के अंतिम दिन, बाबर के अंतिम दिन की बात की जाए, घाघरा की युद्ध के विजय के बाद, तीन बड़े युद्धों की जीत कर, इससे पहले के जो तीन बड़े युद्ध हुए थे उनको जीत कर बाबर ने भारत में सिंधु नदी से लेकर बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक, चंदेरी तक अपना इसने राज्य स्थापित कर लिया था। यूं कहें तो एक विशाल भूभाग में इसने उत्तर से लेकर मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्व और पश्चिम इन सारे क्षेत्रों में इसका अधिकार हो जाता है। तो एक विशाल भूभाग पर बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उत्तर भारत में मुगल शक्ति को चुनौती देने वाला अब कोई रह नहीं गया था। ऐसी अवस्था में मुगल साम्राज्य में, भारत में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। परंतु बाबर का अंत समय अब नज़दीक आ गया था। उसने हुमायूं को संभल की जागीर प्रदान की। हुमायूं का वहां बीमार हो गया और उसे आगरा लाया गया। यह कहानी बाबर ने अपनी ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी में जब उसने लिखा बाबरनामा, तो उसी में इसका उल्लेख किया है, इस कहानी का, बाबरनामा, बाबरनामा। तो बाबर ने जब लिखा बाबरनामा तो इसी में इसके बारे में जिक्र किया है। उसने ये बताया कि जब इसको हुमायूं को जब एक लंबी बीमारी ने इसको ग्रसित कर लिया था, जब इसको संभल की जागीर दी गई थी, तो वहीं पर ये बीमार हो जाता है संभल में ही, और बाद में संभल से इसको आगरा बुलाया गया। जब हुमायूं को जब आगरा बुलाया जाता है, तो आगरा आने के बाद इसने यहीं पर जो है आगरा में ही इसने एक ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करी कि अगर हुमायूं का स्वास्थ्य मेरे बदले में, अगर हुमायूं का स्वास्थ्य सही हो जाता है और हुमायूं का रोग मुझे लग जाता है, तो मेरे बदले में हुमायूं का स्वास्थ्य कैसे, मेरे बदले में अगर हुमायूं का रोग जो है, इसका रोग मुझे लग जाए। और जब इस तरीके से इसने याचना करी, तो ईश्वर ने भी इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और बाद में धीरे धीरे हुमायूं के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और बाबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। तो इस तरीके से ये बताया गया कि यही इसकी मृत्यु का कारण बनता है, और बाद में जो है बाबर का इसी कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक दूसरा का कारण है, तो कुछ इतिहासकारों ने ये भी बताया कि ये हुमायूं के बदले इसकी मृत्यु की बात, ये कहीं ना कहीं मिथ्या है। चूँकि बाबर को इब्राहिम लोदी के माता के द्वारा विष, जो विष दिया गया था, उसी विष के द्वारा कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसके शरीर पर था, और इसी के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। तो हो न हो, जो भी हो, इन दोनों घटनाओं के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा कारण रहा होगा जिसके कारण बाबर की मृत्यु हुई। और ज़्यादातर जो सत्य के करीब, जो जिस बात की को कहा जाए, तो ज़्यादातर सत्य के करीब इब्राहिम लोदी की माता के द्वारा दिया गया विष ही है। कहीं ना कहीं बाबर ने उस विष को जब पी लिया था, तो उसी के कारण उसके शरीर में कहीं ना कहीं उस विष का अभी अंश थोड़ा सा बाकी था, और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उसका शरीर कमज़ोर होने लगा था। और धीरे धीरे निरंतर उसने कई सारे युद्ध भी किए, और उसी के कारण उसका धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाता है, और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। तो इस तरीके से एक शक्तिशाली शासक का अंत हुआ, और इसकी मृत्यु 1530 में होती है। अगर ये पूछा जाए बाबर की मृत्यु कब हुई, तो आप बता सकते हो कि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा ये पूछता है, जिसको हमने अभी नहीं बताया आपसे, कि बाबर का पूरा नाम क्या था। कभी अगर पूछ ले तो आप जानते रहिएगा, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर
ये इसका पूरा नाम होता है। जब कभी अगर आपसे पूछे कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो आप बता सकते हो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। तो इस तरीके से बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को मरने के बाद उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। जब बाबर की मृत्यु हुई, तो बाबर की मृत्यु के बाद पहले इसे कहाँ दफनाया गया, कभी कभी यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, तो ये जानते रहिएगा, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में, आराम बाग, आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया। और बाद में इसकी एक दूसरी पत्नी, जिसका नाम होता है बीबी मुबारक यूसुफ जाई, बीबी मुबारक यूसुफ जाई, बीबी मुबारक यूसुफ जाई, इसकी एक अन्य पत्नी थी बीबी मुबारक यूसुफ जाई, इसी ने शेरशाह सूरी के समय इसको आराम बाग से इसके अस्थि अवशेष को निकलवा कर काबुल में इसको दफना दिया था। काबुल, ये अफगानिस्तान में है, काबुल, वहीं पर इसको दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जानते रहिएगा, अगर कभी पूछे कि बाबर को कहाँ दफनाया गया, ऑप्शन में अगर आराम बाग नहीं है तो आप बता सकते हो कि काबुल में इसे दफनाया गया था। पहले अगर ये, अगर थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछे, तो ये भी पूछ सकता है कि बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था, तो आप बता सकते हो कि बाबर को सबसे पहले जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और उसके बाद जो है बाबर को जो है काबुल में दफनाया गया। किसके द्वारा दफनाया गया, तो इसकी पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जाई को द्वारा इसको दफनाया गया। किसके शासनकाल में दफनाया गया, थोड़ा सा और डीप में जाएगा तो ये बना सकता है क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको काबुल में इसकी पत्नी ने इसको दफनाया था। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा बाबर का चरित्र चित्रण देखते हैं, बाबर के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। बाबर का चरित्र, बाबर का चरित्र, जहाँ तक बाबर के चरित्र की बात है, तो विभिन्न इतिहासकारों ने बाबर के चरित्र के बारे में लिखा कि बाबर एक शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है। और इसी के बारे में मिर्जा हैदर दोगलत ने तारीख ए रशीदी में लिखा, तारीख ए रशीदी, रशीदी, ये पूछा जाएगा कभी कभी आपसे कि तारीख ए रशीदी किसकी रचना है, तो आप जानते रहिएगा मिर्जा हैदर दोगलत की, मिर्जा हैदर दोगलत, इसी की रचना है तारीख ए रशीदी। तो मिर्जा हैदर दोगलत ने तारीख ए रशीदी में इसने बताया कि बाबर में अनेक गुण और अनगिनत विशेषताएं थीं। ये अनेक गुण और अनगिनत विशेषताओं से परिपूर्ण बहादुर और मानवतापूर्ण इंसान था, और अपने जीवन काल में इसने अनेक सारे ऐसे युद्ध किए और भारत में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की, और उसको स्थायित्व तो नहीं दे पाता, इसके पहले ही ये मर जाता है। लेकिन हो ना हो, बाबर में वो सारे एक जो अच्छे सैन्य प्रशासक के अंदर जो गुण होना चाहिए, वो सारे गुण कहीं ना कहीं बाबर के अंदर विद्यमान होते हैं। और बाबर की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है गुलबदन। बाबर की बेटी का नाम था, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, बाबर की बेटी, बाबर, बाबर की बेटी का नाम गुलबदन था, गुलबदन, तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हुमायूनामा। तो हुमायूनामा किसकी रचना है, कभी कभी यही पूछ लेता है, तो आप बता सकते हो कि गुलबदन बेगम का हुमायूनामा है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूनामा में बाबर की इसी प्रकार से प्रशंसा की जिस तरीके से तारीख ए रशीदी में मिर्जा हैदर दोगलत ने की थी। लेन पुल ने बाबर के व्यक्तित्व को पूर्व के इतिहास में सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तित्व वाला बताया। व्यक्ति के रूप में बाबर का चरित्र सराहनीय था। शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बहुत बलवान था। वह अपनी दोनों बगलों में दो आदमियों को दबाकर सरलता से किले की दीवार पर चढ़ सकता था। ठीक है, तो लेन पुल ने बाबर के बारे में लिखा, लेन पुल,
लेन पुल, इसने बाबर के बारे में लिखा कि बाबर एक शक्तिशाली योद्धा था, अगर वो उसको किले की दीवार पर भी चढ़ना हो तो दो व्यक्तियों को अपने बाजू में, एक बाजू में एक व्यक्ति को और इस बाजू में एक व्यक्ति को दबा के वो किले की दीवार पर आसानी के साथ जो है चढ़ सकता था। तो कहीं ना कहीं वो एक शक्तिशाली योद्धा था और एक शक्तिशाली योद्धा के सारे गुण बाबर के अंदर विद्यमान थे। उसने भारत की सभी नदियों को तैर कर पार किया था। वह निरंतर 80 मील तक घोड़े की पीठ पर सफर कर लेता था। बाबर ने जितनी भी भारत की सारी नदियां थीं उन सभी नदियों को इसने तैर कर पार किया था और ये घोड़े की पीठ पर निरंतर 80 मील की यात्रा करता हुआ, ये एक लंबी कहें तो यात्रा, एक लंबे सफ़र की यात्रा करता हुआ ये घोड़े की पीठ पे चल सकता था। ये बाबर के अंदर ये सारे गुण विद्यमान थे। और बाबर अपने पिता का एक आज्ञाकारी बालक भी था और कर्तव्य परायण मनुष्य भी था, सुसज्जित व्यक्ति भी था। अपने पिता, नाना, दादा, दादी आदि सभी को उसने सम्मान दिया था। सर्वदा प्रेम और सम्मान से उसे याद किया जाता है। उसने अपने बच्चों को शिक्षा और योग्यता को बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसने हुमायूं को सलाह दी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ये कमेंट किसका है, किसने कहा कि संसार उसका है, संसार उसका है जो परिश्रम करता है, परिश्रम करता है। ये कमेंट बड़ा फेमस है और बार बार ये पूछा जाता है कि ये किसका कमेंट है कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। तो ये जानते रहिएगा, बाबर का कमेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर ये कमेंट किसके लिए किया है, तो बाबर ये कमेंट हुमायूं के लिए कहा, उसने हुमायूं को बताया कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। और वो दूरदर्शी शासक भी होता है। उसने फरीद यानी शेर शाह सूरी के प्रति भी बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगाह किया था। उसने हुमायूं को बताया कि ये जो शेर शाह सूरी है ये बड़ा चालाक अफगान है। एक बार उसने, बाबर ने शेर शाह सूरी को खाने के लिए आमंत्रित किया। जब उसने खाने पर आमंत्रित किया तो खाने में कुछ ऐसा व्यंजन बनवाया जिसको लकड़ी के दो डंडे से पकड़ के उसको खाया जाता था। क्योंकि वो उस व्यंजन को खाने की कला शेर शाह सूरी नहीं जानता था। तो शेर शाह सूरी के सामने वो व्यंजन जब परोसा गया तो शेर शाह सूरी को जब खाने के लिए कहा गया तो शेर शाह सूरी ने जब देखा कि वो उसको आसानी के साथ नहीं खा पा रहा था तो उसने क्या किया कि एक छोटी सी खंजर निकाला और उस छोटी सी खंजर को उसको कई छोटे छोटे बाइट में विभाजित कर दिया और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ एक एक बाइट को उठाकर अपने मुंह में आराम से खाने लगा। और उसको इस तरीके से खाते हुए देखकर बाबर के मन में कहीं ना कहीं ये शंका पैदा हो गई कि ये आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए ये कहीं ना कहीं विनाश का कारण बन सकता है। और इसीलिए बाबर ने हुमायूं को उससे सचेत रहने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं बाबर एक दूरदर्शी शासक भी था। वो दूर की देखने वाला, दूर की सोचने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये सारे गुण बाबर के अंदर विद्यमान थे। बाबर ने सर्वदा अपने भाई और रिश्तेदारों की सहायता की। वह अपने मित्रों के साथ प्रत्येक कठिनाई और हर्ष में साझेदार हुआ करता था। तो इस तरीके से अगर ये कहा जाए कि एक जो शासक के अंदर जो सारे गुण होना चाहिए वो सारे गुण इसमें विद्यमान थे, ठीक है। तो बाबर अपने समय का एक शक्तिशाली योद्धा, एक अच्छा सेनापति, एक कुशल नेतृत्वकर्ता और एक सामाजिक संपन्न व्यक्ति था। और बाबर ने अपने जीवन के की जितनी भी सारी घटनाएं इसके जीवन में घटती हैं उन सभी को एक ग्रंथों में पिरोकर इसने उसका उल्लेख किया है। तो ये पूछा जाता है कि बाबर ने किसकी रचना की, तो बाबर ने किया था बाबरनामा की रचना, बाबरनामा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबरनामा किसकी रचना है, तो आप बता सकते हो कि बाबरनामा ये बाबर की स्वयं की आत्मकथा है, आत्मकथा। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आत्मकथा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि आत्मकथा जो स्वयं अपने बारे में लिखता है उसी को कहते हैं आत्मकथा। नाम से ही जैसा आभास हो रहा है कि आत्मकथा, स्वयं की कथा, अपने जीवन की कथा जो लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी, एक और शब्द आता है जीवनी। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, लगे हाथ इसको भी जान लीजिएगा। जीवनी और आत्मकथा में ये मुख्य अंतर होता है कि जो आत्मकथा होती है ये स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जो जीवनी होती है ये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है, लिखता कोई और है।
जीवनी जो होता है वो लिखता कोई और है और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में लिखता है, लेकिन जो आत्मकथा होती है वो स्वयं अपने बारे में लिखी जाती है। तो ये मूल रूप से यही अंतर है। तो बाबर के बारे में जब भी अगर आपसे पूछे कि इसके चरित्र के बारे में, तो आप ये सारी बातें इसके चरित्र के बारे में बता सकते हैं। बाबर को अगर देखा जाए धार्मिक दृष्टि से, तो बाबर सुन्नी मुसलमान था। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि बाबर किस तरीके का मुसलमान था, तो सुन्नी मुसलमान था। धार्मिकता के बारे में कहा जाए, बाबर धार्मिक दशा के बारे में बाबर के पूछा जाए, तो ये आप बता सकते हो कि बाबर सुन्नी मुसलमान था और ईश्वर में इसका पूर्ण विश्वास था। इसने अपनी प्रत्येक सफलता का श्रेय ईश्वर को दिया था और वह कहा करता था कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बाबर के ईश्वर की पूजा अर्चना में इसका विशेष इसकी ईश्वर में श्रद्धा होती थी और ईश्वरी जितने भी ये कार्य करता था ईश्वर को ही मानकर करता था और ये हमेशा कहा करता था कि ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जब तक कोई कार्य ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो सकता। ये कौन कहता था, तो आप बता सकते हो कि बाबर कहता था। बाबर ने ये कहा कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, उसकी दया पर ही सब कुछ निर्भर होता है। परंतु बाबर में धार्मिक असहनशीलता न थी। उसने ईरान के शिया बादशाह शाह इस्माइल से जो संधि की थी उसकी एक शर्त यह भी थी कि वह शिया मत का अपने राज्य में प्रसार करेगा। उसके दरबार में धार्मिक कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं था। निसंदेह बाबर भारत में समय समय पर धार्मिक सहिष्णुता का उसने परिचय दिया। उसने राणा सांगा और मेदिनी राय के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। युद्धों के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की, राजपूतों की सिरों की मीनारें खड़ी की, मुसलमानों को तगमा नामक एक कर से मुक्त किया, अयोध्या में एक ऐसे स्थान पर मस्जिद बनवाई जिसे श्री रामचंद्र का जन्म स्थान मानकर हिंदू उसे पूजते थे। बाबर की इस नीति के कारण एक विद्वान ने लिखा कि बाबर का चरित्र इस्लाम की सभ्यता के एकांकीपन की भावना को पूर्ण करता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो बाबर को धर्म सहिष्णु शासक नहीं माना जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बाबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। अगर इन सब नीतियों का उसने पालन किया, अगर इन नीतियों को उसने चलाया, तो कहीं ना कहीं भारत में अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए उसने ऐसा किया। अगर उसने जिहाद का नारा नहीं दिया होता तो उसकी सेना खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ नहीं लड़ती। तो अपनी सेना के मनोबल को उसने बढ़ाने के लिए जो एक सेनापति के अंदर, योग्य सेनापति के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण बाबर के अंदर आया। बाबर ने उस गुण का परिचय दिया, तो इसीलिए उसने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। अपनी सेना को दिखाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बाबर ने ऐसा किया, ठीक है। और रही बात बाबर की, उसने किसी मस्जिद का निर्माण कराया, तो बाबर नामा जब उसने लिखा तो बाबर नामा में उसने बहुत सारी बातें लिखी। भारत की रीतियों के बारे में उसने बताया, भारत की रहन सहन के बारे में इसने बताया कि भारत के लोग जो हैं बड़े असभ्य और बर्बर हैं। भारत के लोग तो यहाँ के जो पुरुष हैं वो तो नंग धड़ंग रहते हैं ऐसे ही, और यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो एक ही वस्त्र धारण करती हैं, लुंगी की तरह है जो उसको सर नीचे लपेट लेती हैं और उसी को ऊपर भी रख लेती हैं। और यहाँ अच्छे अंगूर नहीं हैं, खजूर नहीं है, ना अच्छे किस्म के यहाँ कुत्ते हैं। तो इस तरीके से बाबर ने अपने बाबरनामा में बहुत सारी बातों को, भारत की जैसे जैसे स्थिति को उसने देखा एज इट इज वैसे ही उसमें उसका उल्लेख किया। और कुछ ऐसे पेज होते हैं कि बाबरनामा के जो नहीं मिलते, बाद में कुछ ऐसे प्रचितांश उसमें जोड़ दिए जाते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का उल्लेख हुआ है। अदरवाइज मूल बाबर में अगर बाबरनामा में देखा जाए तो उसमें बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है। और उसी में इसका एक सेनापति होता है मीर बकी के द्वारा ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बाबर एक धर्म सहिष्णु शासक था, तो ये गलत नहीं होगा, बाबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आज के लिए धन्यवाद।